bismillah ar-rahman ar-rahim assalamu everyone today i'm telling you about the blending word and uh, what is a blending word and how we can use in uh, english or english grammar or tricks okay now let's start a blending word what is the blending word a word is a word formed by a blend is a word

है तो यहाँ पे उसके हमने साउंड को मर्ज कर दिया लेकिन जब हम इसको तोड़ फोड़ करेंगे तो क्या आएगा ए डी एडवर्टाइजमेंट ठीक है फिर इन्फ्लेमेशन आएगा ठीक है कैसे आएगा देखें आप लोग यहाँ पे हमने ए डी का क्या लगाया था एडवर्टाइजमेंट एंड फ्लेशन का क्या आएगा इन्फ्लेशन ठीक है मतलब यहाँ पे हमारा साउंड तो ख़त्म हो गया लेकिन यहाँ पे मीनिंग कितने देर आए यहाँ पर दो मीनिंग रहा है ठीक है इसके बाद देखें ये सारी एग्जाम्पल्स हैं ब्लेंडिंग का मतलब ही क्या होता है कि ब्लेंड कर देना ख़त्म कर देना मर्ज कर देना किसी चीज़ को लेकिन उसका मीनिंग आ रहा होता है कैसे आ रहा होता है देखें आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स को कुछ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एडफ्लेशन का आपको पता चल गया ठीक है, है आगे क्या आएगा ब्यूटिलिटी ठीक है अब यहाँ पे ब्यूटिलिटी जो है ना वो हमारे साउंड को मर्ज कर दिया साउंड को ब्लेंड कर दिया बट गिव अस टू आर मोर मीनिंग सी हेयर ब्यूटी एंड यूटिलिटी आगे देखें बिट बिट का क्या आएगा बाइनरी एंड डिजिट ठीक है digit, इसी तरह आगे देखें कैम कॉर्डर इसके बाद देखें आप जी कैम कॉर्डर है ठीक है कैमकॉर्डर को हम किसे रिप्लेस करेंगे कैमरा एंड रिकॉर्डर ठीक है ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो अपने साउंड को मर्ज करते हैं अपने साउंड को ब्लेंड कर देते हैं लेकिन मीनिंग और गिवन टू आर मोर ठीक है देखे यहाँ पे आप ये सारे आप लोग देख रहे हैं कितनी एग्जांपल्स दी हुई हैं ठीक है बज दफ़ा हम इंग्लिश पढ़ होते हैं या कुछ भी कर होते हैं लेकिन वो हमें वर्ड इस तरह के दिए होते हैं लेकिन उनके जो मतलब होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं ठीक है अब ये देखें आप लोग वर्क फेयर ठीक है ये सारे आप लोग देख लेना ठीक है यहाँ पे मैं कुछ कुछ बता रही हूँ ताकि हमारी वीडियो इतनी लंबी ना हो वर्क फेयर वर्क एंड वेलफेयर ठीक है देखिए यहाँ पे एक वर्ड और गिवन है एंड बट गिव अस मीनिंग टू और मोर ठीक है मतलब ऐसा वर्ड भी हो सकता है जो लेंथी हो सकता है लेकिन उसके मीनिंग हमें दो से ज़्यादा मिल रही हो तीन हो चार हो या जो भी है ठीक है वर्क फेयर है यहाँ पे यहाँ पे हमारा वर्क ये इलाका आ जाएगा यहाँ पे हम स्कोर रिप्लेस कर देंगे वर्क को वर्क ही आएगा फेयर का मतलब वेलफेयर आ जाएगा ठीक है अब ये देखें आप पैराट्रॉप्स ठीक है पैरा पैराच पैरा हमारा इलाका आ जाएगा ट्रॉप्स इलाका आ जाएगा पैराच्यूट एंड ट्रॉप्स ठीक है इसी तरह देखें मेडिकेयर मेडिकल एंड केयर आ जाएगा ठीक है मतलब अलग अलग मीनिंग दे रहा है हमें ठीक है आगे देखें आप लोग वीडियो ठीक है वीडियट क्या होता है ये हमारा अलग हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद ये अलग हो जाएगा ठीक है जैसे कि वीडियो एंड इडियट ठीक है आगे देखें इंफोटेनमेंट ठीक है इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट ठीक है ये हमारे मीनिंग ऐसी हैं जो ब्लेंडिंग मीनिंग होते हैं ब्लेंडिंग वर्ड्स होते हैं जो अपने साउंड को खत्म कर देते हैं अपने साउंड को मर्ज कर देते हैं अपने साउंड को ब्लेंड कर देते हैं बट ये मीनिंग करगी वू आर मोर ठीक है दिस इज आल अबाउट प्लानिंग वर्ड आई होप आपको समझ आ गई होगी प्लानिंग वर्ड किसे कहते हैं हम लोग ठीक है इंग्लिश में अक्सर ये वर्ड्स आ जाते हैं लेकिन हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये तो वर्ड ऐसा है लेकिन इसका मीनिंग कुछ और आ रहा है इसका मीनिंग ज़्यादा आ रही है ठीक है ये सारे प्लानिंग वर्ड ये आपको पता होने चाहिए ठीक है ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको समझ आ गई होगी ठीक है इसी के साथ अगर आपको कुछ भी इससे इंफॉर्मेशन मिली हो तो इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंची जा सके इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़